गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि भाई आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख भी पा रहे हैं, कंप्यूटर की जानकारी, सॉरी महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये है तो भी ये भी कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा कल का भी यहाँ पर कवर करेंगे और इसे आगे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई आपका? ये था आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, ये था आपका, ये था CDC 6600, CDC 600। ठीक है, 600। इसको बनाया कर किस कौन सी सन में बना? तो ये बना था आपका 1964 में। किसने बनाया? के द्वारा बनाया गया, ये थे आपके सैमुअल क्रेवन। ठीक सैमुअल क्रे, सॉरी सैमुअल क्रे। तो दोस्तों इन्होंने सैमुअल क्रे ने सन 1964 में CDC 6600 सुपर पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। लेकिन इन्होंने सोचा भाई जब मैं सुपर कंप्यूटर बना ही रहा हूँ तो क्यों नहीं इसे बेस्ट से बेहतरीन, बेस्ट से बेटर बनाया जाए, यानी कि और भी अच्छा बनाया जाए। तो उन्होंने इस पर ही काम करते हुए, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट उस समय का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, वो था आपका क्रे। इन्होंने अपने नाम पर उसका नाम रखा क्रे वन, और ये इसकी जो स्पीड थी, वो थी आपकी 1 मिलियन फ्लोप्स, वन मिलियन फ्लोप्स। मैं अभी जिसको भी तारना है वो अभी तार सकता है, या नोट्स बना, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, मैं भी एक सेकंड के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, इसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा। उतर गया होगा भी लगभग सभी का, जिसका ना उतरा वे स्टूडेंट क्या करें, वो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट्स बना लें। भाई देखो नोट्स तो सभी को बनाने हैं, ठीक है, तो उसका आराम से नोट्स बना सकते हैं। अब बात फ्लोप्स की होगी है तो फ्लोप्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये भी आपकी फ्लोप्स की फुल फॉर्म है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बनाया था आपका क्रेवन ने। ये कब बना? जो क्रेवन ने कंप्यूटर बनाया था, हम बात कर रहे हैं इस टाइम क्रेवन की, क्रेवन ये आपका बनाया था सन 1972 के आसपास। ठीक है, 72 से 76। ठीक है, तो ये किस बेस पे बना था? ये आपका CDC 6600 के बेस पर ही बनाया गया था।
ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट पर्सन चलते हैं भाई। जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं साथ साथ ताड़ते रहें, समझते रहें भाई। देखो इतना टाइम नहीं होता कि हम ज़्यादा समय तक यहाँ पर रुक सकें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एट प्रेजेंट लेटेस्ट एट प्रेजेंट लेटेस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, नंबर वन पर है आपका फ्रंटियर। किसने बनाया? यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब बना? ये बना भाई आपका 8 जून 2022। दूसरे पे आता है फुगाकू, फुगाकू ये किसने बनाया भाई? ये आपका बनाया था जापान। ये कब बना? ये बना था 23 जून 2020। ठीक है, तो पहले नंबर पर अमेरिका का फ्रंटियर, दूसरे पे फुगाकू। ठीक है, अमेरिका का जो फ्रंटियर बनाया था ये था आपका 8 जून 2022। ठीक है, अभी लेटेस्ट में ही है। और जो अभी इससे पहले जो था वो था का फुगाकू, वो था जापान का बनाया हुआ। ठीक है, तो अगर फोकस करते हैं हम फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था भाई आपका, ये था, इसका नाम था मिरेकल। कब बना? 1973, सन 1973 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ये था आपका इंटेल का 4004। ठीक है, जो यूज हुआ था पहली बार वो हुआ था इंटेल का 8008। यूज हुआ था भैया फर्स्ट टाइम। ठीक है, था कौन सा वैसे? इंटेल का 4004, यूज हुआ था इंटेल का 8008। तो चलते हैं आगे, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। फर्स्ट स्मार्टफोन, सबसे पहले भाई स्मार्टफोन कब बना? ठीक है, सबसे पहले स्मार्टफोन कब बना, क्या नाम था उसका, किसने बनाया, ये जानेंगे। नाम था इसका भाई एसपीसी, बना था सन 1992। नाम था इसका एसपीसी, बना सन 1992। और एसपीसी की फुल फॉर्म होती है एस पी सी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी सीमेन पर्सनल कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर
सीमेन पर्सनल कम्युनिकेटर, ठीक है, बनाया किसने था, ये आपका आईएमबी ने। आईबीएम के बारे में हम पिछली क्लास में इसे पढ़ चुके हैं, क्या होता है, किसने किसके ओनर हैं इसके, तो क्या किसने शुरुआत की थी, तो हम आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा बस थोड़ा शॉर्ट में। बस आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन शुरुआत किसने की थी इसकी, बस शुरुआत करने वाले थे इसके हरमन हेलोरिथ, हरमन हेलोरिथ। इसकी शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक थे भाई हरमन हेलोरिथ, ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, आगे देखेंगे इसमें। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा भी था आपका, यूनिवेक फर्स्ट, यूनिवेक वन। यूनिवेक वन मैन फ्रेम, मैन फ्रेम होता क्या है, जिसमें हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी था हमारा। यूनिवेक की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, UNIVAC, इसकी फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सल, फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जो क्या था, वो था भाई जिसने आयनिक बनाया, आयनिक पे, आयनिक के बाद में आपका है एडवेक आया, एडवेक के बाद में एसडेक आया, उन्हीं पे काम करते करते ये यूनिवेक फर्स्ट मेनफ्रेम कंप्यूटर बनाया गया। तो किसने बनाया था आयनिक, बताओ भाई, याद है, चलो नहीं है याद बता देता हूँ, बनाया था जॉन मोकले जे परस्पर एक्ट, ठीक है भाई, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था, जॉन मोकले और जे परस्पर एक्ट ने, ठीक है, तो ये था हमारा पहला व्यवसाय कंप्यूटर। व्यवसाय कंप्यूटर, ठीक है, व्यवसाय के लिए यूज होने वाला, ये को हम बिजनेस और कमर्शियल, बिजनेस और कमर्शियल, ठीक है। तो भाई यूनिवेक फर्स्ट हमारा पहला कंप्यूटर था जिसे जो हमने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर भी पूछा जाए तो वो आपका आएगा यूनिवेक फर्स्ट, और वर्ल्ड का पहला आधुनिक कंप्यूटर पूछा जाए वो आपका आएगा आयनिक, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ की समानता है, दोनों को ही बनाने वाले वैज्ञानिक एक ही थे, यानी कि जॉन मोकले और जे परस्पर एक्ट। वह इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों को बनाने वाले वैज्ञानिक एक ही थे, चाहे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या विश्व का पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दी दूँ भाई।
फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर ये तो आपका PDB-1, PDP-1 ये बना था 1960। PDP-1 इसको बनाया गया था भाई 1960 में। केनिथ ओसलेन, सॉरी भाई इसमें मिस्टेक हुई है, केनिथ ओसलेन, अब ठीक है, केनिथ ओसलेन ने बनाया, किस कंपनी का बनाया गया, डेक गया था आपका, डेक द्वारा। डेक की फुल फॉर्म क्या होती है, डेक की फुल फॉर्म होती है, डेक को भाई हाली देता हूँ मैं, ये बनाया गया था आपकी डेक कंपनी द्वारा। डेक कंपनी की फुल फॉर्म है आपकी डिजिटल इक्विपमेंट क्रिएशन, सॉरी डिजिटल इक्विपमेंट इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। इसका पहला लैपटॉप कौन सा था, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसे मैं साफ कर देता हूँ। इसे हम कर देंगे रफ और विश्व का पहले लैपटॉप के बारे में जानेंगे। तोशीबा टी 1100 विश्व का पहला लैपटॉप था तोशीबा टी 1100, कब बना 1995। फादर ऑफ लैपटॉप किसको बोला जाता है भाई, फादर्स ऑफ, फादर ऑफ लैपटॉप ये बोला था बिल मॉरिस, लिखता हूं मैं बिल मॉरिस, तक हमने बात कर ली विश्व की, ठीक है, लेकिन भाई अपने इंडिया की भी बात कर लेते हैं, इंडिया के किसी पीछे थोड़ी है किसी चीज में भी। इंडिया के अंदर बात होगी भाई जो भी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम। भारत में पहली बार कंप्यूटर आया, भाई अक्सर प्रश्न आता है भारत में पहली बार कंप्यूटर कब आया, ठीक है, तो ये आया था आपका 1952 में। किसके द्वारा लाया गया, इसे लेके आया था आपके डॉक्टर डीसी दत्ता, ठीक है, अब इसको स्थापित कहाँ गया भाई, इसको रखा कहाँ गया, वो था कोलकाता, कोलकाता। तो जैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहला कंप्यूटर, अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन कंप्यूटर कौन सा था जो भारत में पहली बार आया था, वो था आपका एनालॉग कंप्यूटर, कौन सा था, एनालॉग।
कंप्यूटर था आपका एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर था जो भारत में जो पहला सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था सन 1952 में आया, लेकर आए डॉक्टर ऋषि दत्ता, रखा गया कोलकाता में, ठीक है, और इसका नाम था एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, आपका कोई भी पर्सन आए, मान लो आपका पर्सन आया भारत में पहली बार कंप्यूटर कब आया 1952, ठीक है। दूसरा पर्सन मान लो किसी ने बना दिया, भारत में पहली बार कंप्यूटर कौन लेकर आया, डॉक्टर ऋषि दत्ता, ठीक है। भारत में पहला, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर को कहाँ पर रखा गया, कोलकाता। भारत में आए हुए पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चार पांच पर्सन आपके एक ही पर्सन से बन गए, इस प्रकार से भी पर्सन पूछ सकता है कोई भी। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई, सन 1955 से शुरुआत हुई, 60 के दशक में जाकर तेजी से विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था हमारा, सभी को पता है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भाई लगभग इसका नाम सभी को पता है, कोई ऐसा नहीं जिसको ना पता हो, ठीक है। सिद्धार्थ था भाई, जिसको ना पता हो। इतना तो सभी जानते हैं कौन सा था भाई, सिद्धार्थ। कब आया इधर, कब रिलीज किया गया, कब बनाया गया, ये आपका बनाया गया सन 1986, 1986 किसके द्वारा बनाया गया भाई, कोई कंपनी है, कोई कंपनी होती है या कोई व्यक्ति जो भी इसको इन्वेंट करता है, कोई तो होगा ना जिसने बनाया। तो ये आपका बनाया गया था इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसे मैं रफ करता हूँ, इसके बाद बात करें, अब कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब इसके बात करते हैं, भारत में इंटरनेट सर्वप्रथम कब आया भाई, ये प्रश्न बहुत बार आता है, पूछा जाता है, मैं बताऊंगा अभी। भारत में जो इंटरनेट आया था वो आया था आपका 14 अगस्त 1995, 14 अगस्त 1995। लेकिन जब शुरुआत शुरू किया गया, वो आपका शुरुआत हुई थी इसकी 15 अगस्त 1995। लेकिन आपसे जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो केवल सन पूछी जाती है भाई, भारत में इंटरनेट कब आया, तो वो 1995, इस चीज़ को याद रखें। अगर आपको डेट दी हो और उसमें लिखा हो 14 अगस्त 1995 तो आप उसे टिक करेंगे, अगर नहीं लिखा हो तो फिर 15 अगस्त 1995 आपको जरूर वहीं पर ही मिलेगा, ठीक है। आया था 14 अगस्त 1995 को था, लेकिन जो शुरुआत हुई थी इसकी तो वो हुई थी 15 अगस्त 1995, हाँ भाई, गणतंत्रता दिवस के दिन, सॉरी गणतंत्र नहीं, स्वतंत्रता दिवस के दिन, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, भारत में इंटरनेट भी आ गया, भारत में कंप्यूटर भी बन गया, दुनिया सुपर कंप्यूटर बना रही है, ऐसा तो है नहीं भारत नहीं बनाएगा, तो भारत भी बनाएगा। तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बना या किसने बनाया और कौन सी सन में बना? इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भारत में पहला सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर और ये था आपका परम 8000। हाँ जी बिल्कुल सही, परम 8000। परम 8000। परम 8000 ठीक है भाई। किसके द्वारा बनाया गया भाई? ये था आपका सीडेक, सीडेक कंपनी इंडिया की। सीडेक कंपनी ठीक है, कहां पर रखा गया इसको भाई? पुणे में इसको रखा गया, पुणे में। सीडेक की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस, सीडेक की फुल फॉर्म है भाई आपकी सेंटर सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। सेंट्रल डेवलपमेंट, सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर किसने बनाया भाई? ये बनाया था विजय भाटकर, या कह सकते हैं आप फादर्स सुपर कंप्यूटर के पितामह इंडिया के अंदर, के अंदर सुपर कंप्यूटर के पितामह, जैसे भाई कंप्यूटर के पितामह है ना चार्ल्स बेबेज, वे तो वर्ल्ड के हैं, इंडिया के अंदर कौन थे? वे थे विजय भाटकर जी, विजय भाटकर जी। विजय भाटकर ने जो कंप्यूटर बनाया था भाई, ये था आपका 1991। तो जिसको भी भाई नोट्स बनाने हैं या तारना है, जो भी काम करना है वो कर सकता है जल्दी से जल्दी, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, नहीं तो आप फिर बाद में अगर नहीं हो पाए किसी का तो वीडियो को पॉज करके और या वीडियो को रिप्ले करके देख सकता है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं।
इंडिया लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ये है आपका परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई जो ये कहा है ये बना है आपका 2022 को, 2022 में रिलीज किया गया 2022 में। इसका यूज, इनके यूज क्या होते हैं भाई, जैसे आपके प्रत्युषण मिहिर था, प्रत्युषण मिहिर इससे पहले उसका यूज किया था मानसून, मौसम की जो जानकारी होती है वो इंडिया से अच्छी लगभग कोई भी नहीं दे सकता, जो इंडिया एकदम सटीक जानकारी देते हैं भाई कब बारिश पड़ेगी या कब नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यानी कि इंपॉर्टेंट जानकारी थी कंप्यूटर के बारे में वो लगभग यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। और इससे आगे हम कल का टॉपिक पढ़ेंगे अपना टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। तो आपके आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है। कल मिलते हैं।